Radha Swami. आज एक चिंतन के विषय में बताने लगा, चिंतन विचार ख्याल। मुझे नहीं पता हमारे ऋषियों ने लिखा है या नहीं लिखा, हमारे पुराने बुजुर्गों ने कुछ लिखा कि नहीं लिखा, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेदों में क्या लिखा है, स्मृतियों में क्या लिखा है, प्राणों में क्या लिखा है, मुझे नहीं ज्ञान इस बात का। लेकिन मुझे संतों का ज्ञान है, संतों ने क्या कहा वो मुझे सब पता लग गया है कि संत सब महापुरुषों ने, कबीर साहब से लेकर गुरु नानक साहब जी महाराज, दूसरे संतों ने, सब ने यही कहा कि वो तुम्हारे घट में है और कहीं नहीं। कबीर साहब ने कह दिया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कि तू अपने अंदर देख, तेरा शरीर ही महल है, इसमें वो बैठा है, इसमें देख। स्वामी जी महाराज ने कहा, कर वो खोज कर अपने मन में, उन्होंने भी ऐसे कहा, खोज री पिया को निज घट में, अपने घट में अपने आप को देखो, वो पिया जो इस शरीर का मालिक है वो कहाँ रहता है, खोज री पिया को निज घट में, उन्होंने ये कहा। गुरु नानक साहब जी महाराज ने बहुत प्यारा कहा, घट में है सूजत नहीं, नानक ऐसी जिंद। आप फिर आगे कहते हैं, नानक संसार को हुआ मोतिया बिंद, दुनिया को मोतिया बिंद हुआ हुआ है, अंदर है सब कुछ लेकिन नजर नहीं आता इनको, ये मोतिया बिंद जो हो गया। उसके बाद फिर काहे ने मन खोजन जाई, वो सब निवासी सदा निरंतर घट ही खोजो भाई, ये भी गुरबाणी की वाणी है, उन्होंने भी यही कहा। और फिर हमारे स्वामी दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, घट में दर्शन पाओगे संदेश में कुछ नहीं। इतना कुछ लिखा संतों ने, तो क्या ये दुनिया क्या कर रही है, ये आपके सामने है। दुनिया को देखो तो वाकई दुनिया अंधकार में है और अज्ञानी है, भटकी हुई है, दौड़ धूप में लगे हुए हैं, किसके मारे हुए, किसके मारे हुए, अपने मन के मारे हुए। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और मन ने इनको किधर लगा दिया, आशाओं में लगा दिया, वासनाओं में व्यक्त कर दिया कि जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, और बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है इंसान। इसमें शक नहीं कि साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, सुख के साधन दिए, लेकिन मन का सुख नहीं दिया, आत्मिक ज्ञान नहीं दिया, अपना अनुभव नहीं दिया कि हम क्या है, उसको नहीं दिया। महापुरुषों ने हमें बहुत समझाने की कोशिश की है। और फिर सनातन धर्म पर तो मुझे बिल्कुल तरस आता है कि सनातन धर्म जिसको, जो शुरू से इंसान का धर्म है सनातन, जो बाद में जो सारे धर्म बाद में पैदा हुए हैं, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, वो बाद में संतों के शिक्षा को लेकर उनको धर्म बना दिया कि ये भी एक धर्म है। बुद्ध ने जो कुछ कहा वो बुद्ध धर्म बन गया, जैन मुनि महावीर जी ने जो कहा उसको मानने वालों ने अपना जैन धर्म बना लिया। बारी बात समझ रहे हो ना, ऐसे ही ये सब जितने भी धर्म पैदा हुए ये बाद में पैदा हुए, संतों ने नहीं बनाए, संतों ने केवल शिक्षा दी, समझाया कि भाई ये मार्ग अपनाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हमने तो बाहर में ही अपने आप को खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। और फिर कोई ऐसे बेटे ने गाया, राम सिमरन के बगैर जीवन नहीं है, तो क्या वो सिमरन जो कबीर साहब ने कहा, क्या दुनिया ने उस सिमरन को समझा, नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, कबीर साहब ने भी उसको नहीं खोला कि सिमरन किसका करना है, ये तो दाता मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज आए, उन्होंने समझाया कि सिमरन क्या करना है, किसका करना है। सिमरन कहते हैं याद करना, किसको याद करना, किसको याद करना,
किसको याद करना? उस स्थान को याद करना, उस चीज को याद करना जहां से हम आए हैं। तुम राम राम करो, वो सिमरन नहीं है। तुम राधा स्वामी करते जाओ, वो सिमरन नहीं है। तुम और कोई कहो नाम ले लो, अल्लाह अल्लाह करते जाओ, वो भी नाम नहीं है। मेरी समझ में जो आ रहा अब वो मैं कह रहा हूं, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जो बाहरी वर्णात्मक नाम है, जो मुख से लिए जाते हैं, जब बोले जाते हैं, जब कहे जाते हैं, वो सिमरन नहीं है। सिमरन है उस जगह का जहां से मैं आया हूं। उसका भेद गुरु देता है कि तेरा सिमरन वो होना चाहिए जैसे मैं आया। महाराज जी बताया कर, जैसे मैं ऊना से आया। बात समझ गए? आया किस लिए? आप लोगों के दर्शन करूंगा, कोई बात करूंगा, और फिर उसके बाद फिर कहाँ जाऊंगा? वापस ऊना ही जाना है। फिर देखूंगा, टाइम बहुत हो गया भाई, मैंने बहुत टाइम लग गया, मैंने जाना था वापस। जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? इसके बाद जब शाम को बैठो या सुबह बैठो, तो फिर वो सिमरन करो कि मैं आया कहाँ थे। उसका भी नाम है, उसकी भी जगह है, उसका रास्ता भी है, मगर हम उसके ऊपर नहीं चलते। वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें तुम्हारी बिना मांगे हुए सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। रात्र मैं यूं कहूंगा कि वो फिर जानता है कि इसको क्या चाहिए, वो खुद ही आपको देता है। क्या कहूँ मैं आपको? मैं एक बारी थोड़ी सी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं मामूली से अपनी बीती बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा मालिक है। कहाँ है? मेरे संग है। किस रूप में मेरे संग है? घट में भी है और बाहर में वाणी के रूप में मेरे साथ है। क्या कहा मैंने? वाणी के रूप में। तो जब मैंने ये विश्वास कर लिया, तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत ही क्या है? मैं फिर चिंता नहीं करता। उसका आपको एक अपनी जिंदगी का एक उदाहरण दे देता हूं आपको, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। 1963 में मुझे कहीं से ऑफर आई, नौकरी की ऑफर आई पटियाला में, तो मैं पटियाला चला गया। मुझे ऑफर आई, पटियाला चला गया, तो मुझे उन्होंने दफ्तर वालों ने पूछा, सर ये पोस्ट बताओ, कौन सी पोस्ट आपने लेनी है? ये खेल देखो, हम अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। मुझे पूछा गया कि ये 10 पोस्टें हैं, आप बताइए इनमें से कौन सी तुम्हें पसंद है। खेल है क्या? कभी ऐसा हो सकता है? मैंने एक पर उंगली रखी, मैं कहा ये ठीक है। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और मुझे कहा कि कल आप नापा जाइएगा और वहां से मेडिकल करवा के आइएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये विश्वास हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, ये विश्वास। मैं चला गया, मेरी जेब में 20 रुपए थे जब मैं पटियाला से चला। उस वक्त तो थोड़ा किराया था, नापा पहुंच गया। तो वहां जाकर मुझे पहले ऑर्डर हुआ कि आप 16 रुपए जमा कराओ, फीस जो सरकारी फीस है 16 रुपए मैंने जमा करवा दिए मेडिकल के लिए। मेडिकल शुरू हो गया, अब आंखों का टेस्ट कराओ, अब पेशाब टेस्ट कराओ, अब थूक टेस्ट कराओ। जहां भी गए तो मुबारक दे मुझे वो, सर हमारी भी कुछ सेवा कर दो। तो साहब ने 100 रुपया निकालना दे देना, और वो से जो मेरे पास थे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? मेडिकल हो गया, 1 बज गया, तो बाबू आया, कहता सर अब साहब चले गए हैं खाना खाने, तो वो 2:30 बजे आएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तब से ही, इसमें क्या है। तो हमने भी नलके पर पानी पिया, क्योंकि खाया कुछ नहीं था, मेडिकल होना था, और पानी पिया। और वहाँ पत्थर का वो बना हुआ था, वो क्या उसको बोलते हैं, बेंच, उस पर लेट गए हम भी। अगस्त का महीना, और
ढाई बजे फिर साहब आए तो चपरासी आ गया, कहते सर साहब आ गए हैं। मैं गया अंदर, चलो हमारी आपस में बातचीत हुई वो भी बताने वाली नहीं है। सर्टिफिकेट लिया और अब बाहर आ गया, उस वक्त कोई ढाई पौने तीन बज गए थे। अब बाहर आके सोचा कि बंदे हूँ दस जाना कितना पटियाले, अबे कुमार पैसे कोल नहीं, बस वाला तो ले आएगा नहीं। फिर अंदर से एक आवाज आई कि बस स्टैंड पर वहां चलो, स्टेशन पर वहां आपको टिकट वहां बैठ जाना, गाड़ी में जो देखा जाएगा। और पानी पीता और मैं चल पड़ा, पगडंडी थी उधर को जाने वाली, और वहां से कोई 2 किलोमीटर बस स्टेशन था। मालिक मेरे साथ, विश्वास मेरे साथ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, चल पड़ा, देखा जाएगा जैसे उसकी मौज। तो जब मैं 50 मीटर अभी गया हूँगा, एक साइकिल वाला नौजवान आया मेरे पीछे, कहता अंकल जी मेरे साइकिल पर बैठो, आपने स्टेशन जाना है ना। मैं कहा हाँ बेटा। मैं साइकिल पर बैठ गया और वो मुझे स्टेशन पर ले जाकर साइकिल खड़ा किया, कहते अंकल जी आओ। पौड़ियाँ लगी थी, ऊपर चले गए तो उसने मुझे एक दुकान के ऊपर बैठा दिया जो चाय की थी दुकान स्टेशन पर। और वो गया, पता नहीं कब उसने ऑर्डर दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं पता, एक गिलास पंजाबी चाह दा, पंजाबी गिलास चाह दा जानते ना वो, और एक प्लेट में बिस्कुट, काफी बिस्कुट वो रख दिया मेरे सामने। मैंने चाय रखने वाले लड़के को बुलाया, मैं किधर आ, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ते जाना। मैंने कहा बेटा बात सुन, बात सुन, मैंने सोचा ऑर्डर मैंने दिया नहीं, ये चाय ले गया ये पंजाबी बंदा, इन तक मैनू फाड़ ना लिया, बाबू जी पैसे दो, मैं पैसे कितों दूंगा। मैंने चाय में हाथ नहीं लगाया, उसको बुलाया, कहते नहीं बाबू जी तुम चाय पियो, बाबा जी ऑर्डर दे गए हैं, बात मेरी समझ गए। चलो मैंने शुक्र किया, भुख तो लगी सी, तो 3:45 हुए सी, मैंने बिस्कुट भी खाए, चाय भी पी ली और बैठ गया। अब ट्रेन आएगी तो देखा जाएगा, वो तो चला गया। लेकिन जैसे ही चाय खत्म हो गई वो लड़का वापस आया। अब मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई कि मैं कहाँ जाना है, कोई बात नहीं हुई, कोई उसने मुझसे पूछा नहीं आप कैसे आए थे नाबा, क्यों आए थे, अब कहाँ जाना है, कोई बात नहीं। उसने एक टिकट नाबा टू पटियाला मेरी जेब में अपने हाथों से डाला और 1-8 आने भी मेरी जेब में डाल दिए। जब पैसे डालने लगा तो मैंने रोका, मैं कहा बेटा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका बहुत धन्यवाद, मुझे आपने टिकट मुझे दे दिया है, मैंने पटियाला ही जाना है। कहता जी मुझे पता है आपने पटियाला ही जाना है, ये 8 आने इसलिए हैं कि जब बारिश होगी तो फिर आप स्टेशन से घर कैसे जाओगे, ये रिक्शे के लिए है। बात सुन रहे हो आप। मैं गाड़ी में बैठा, जब पटियाला पहुंचे तो मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से भरी हुई थी। मैं बाहर आया तो रिक्शे वाले खड़े हैं, बारिश हो रही है, और मैंने पूछा भाई लहल कॉलोनी जाना है, कहता साहब बारिश बहुत हो रही है। मैं कहा फिर, कहते पहले 4 आने लेते थे हम, सस्ता जमाना था, अब 8 आने लेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, 8 आने तो मुझे दे गया हुआ देने वाला, वो 8 आने देकर मैं घर पहुंचा। अब इससे क्या मुझे साबित हुआ, तुम्हें हुआ होगा नहीं हुआ होगा मुझे नहीं पता, मुझे ये साबित हो गया कि पलिया तेनू चिंता करी, तेरी तो गड्डी का भी इंतजाम किया, तेरी चाह का इंतजाम भी किया, और उन्हें पता कि बारिश होनी है तो भेजी जाना, तू रिक्शे च बैठ के जाएगा तो मैं तो बल्ले बल्ले। जिस पर साथ उस पिया का हो जाए उसको फिर चिंता नहीं होती। क्या कहा मैंने, अब महापुरुषों ने जब ये लिखा
कि वो तुम्हारे घट में है तो फिर मैं कहां जाऊं। बाबा फकीर ने जो मुझे शिक्षा दी उसको मैं पकड़ूं जा मैं दुनिया के पीछे जाऊं। दुनिया को लात मारो, दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मददगार तुम्हारे संग है, तुम्हारे साथ है। और वो कैसे? दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुना देता हूं, घट में दर्शन पाओगे संदेह है इसमें कुछ नहीं। वो जिसका तुमने सिमरन करना है, वो जिसका तुमने ध्यान करना है, वो रहता कहाँ है? वो तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे अपने शरीर में है। कबीर साहब ने वार्निंग दे दी है कि ये तो कागज की पुड़िया है, इस पर पानी गिरेगा तो ये गल जाएगी। क्या शरीर रहने वाला है? मैं कहता हूं क्या मन रहने वाला है? शरीर भी नहीं रहने वाला, मन भी नहीं रहने वाला। और जिस मन के पीछे लगकर इस शरीर सुख के लिए, आंखों की खुशी के लिए, कानों के सुनने के लिए या खाने पीने के लिए हम भागे हुए हैं, तुम कहां तक उसको पा सकोगे? तुम उसको नहीं पा सकते। पहले इनको बंद करो, फिर आओ मैदान में, और तब आओ जब दुनिया से तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। जब दुनिया तुमने अभी इतनी अपनी समझाई, आपने दुनिया की ड्यूटी पूरी नहीं की, आप दुनिया में सफल नहीं हुए तो वहां कैसे सफल हो सकते हो? मुझे तो ये भी पता लग गया कि दुनिया भी सफल करने वाला वही है। क्यों? जब तुमने मांगा ही नहीं कुछ भी, तुमने मांगना ही नहीं कुछ भी, तो वो खुद ही जानता है कि इसको किधर मैंने लेके जाना है। मैं जानता हूं बाबा फकीर ने मुझे कैसे बाजू पकड़ा और कहीं का कहीं पहुंचा दिया और आपकी सेवा में लगा दिया। मेरे जैसा और भाग्यशाली कौन हो सकता है? क्या कहा मैंने? तो सुनाओ दाता दयाल जी महाराज, तुम्हारे अंदर कौन है, वो क्या है? बाहर कुछ नहीं, जिसको मर्जी मानो, जो मर्जी पूजा करो, जो मर्जी यात्रा करो, जो मर्जी तीर्थ करो, जो मर्जी व्रत रखो, दान दो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं नहीं चाहता, मैं उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि हर एक क्लास है, कोई पहली में है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है। वो तो भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु की संगत मिल जाती है। बिन पागा सत्संग न लब्बे, भाग्य के बिना गुरु नहीं मिलता है। और गुरु केवल उसको मिलेगा जिसकी गुरु की डिमांड है। मेरी डिमांड कोई नहीं थी 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक कि मुझे गुरु मिल जाए। मैंने भगवान को नहीं मांगा, मैंने कोई पूजा नहीं की, बस मेरी एक डिमांड थी गुरु, बस। क्योंकि माँ ने संस्कार ऐसा दिया था कि बेटा गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, तो मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने ज्ञान के सभी पर्दे खोल दिए। क्या कहा मैंने? अब पढ़ो सुनो क्या कहते दाता दयाल जी महाराज। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ नहीं। इसमें संदेह है ही नहीं। क्यों नहीं संदेह? क्योंकि कबीर साहब ने भी यही कहा कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। स्वामी जी महाराज में ने भी यही कहा, खोज घट में अपने प्यारे को, घट में को खोज री पिया को निज घट, निज मीन अपने अंदर पिया को, किसको? जो इसका मालिक है। और इसका मालिक कौन है? अब ये भी बता देता हूं इसका मालिक कौन है। हम सब माँ के गर्भ में पैदा आए ना, माँ के गर्भ में आए, तो माँ के गर्भ में क्या हमें कुछ ज्ञान है? हमारा शरीर बना, हमने उसमें कोई योगदान दिया? हमें वहां लटके हुए थे उल्टे, तो खाने को भी मिला, पीने को भी मिला और सांस भी मिला, कहाँ? पानी की थैली में। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात को सुन लो। तो किसने किया ये खेल? कौन कर रहा है? कोई ताकत है?
और जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आए तो नाड़ू काट दिया गया, तो माँ के स्तनों में दूध भी आ गया। क्यों आया? एकदम दूध, एकदम आ गया दूध, क्योंकि वो नीचे वाला भोजन जो मिलना था बंद हो गया। क्या कहा मैंने? ये आंखें, ये चेहरा, ये जो जो कुछ भी बनाया गया, इसको किसने बनाया? और फिर इसमें जो रहता है और जो खेल वो खेलता है अंदर, तुम्हारा खाया पिया पहुंचा रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कन हो रही है, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है अंदर। तुम बाहर बाहर भटक रहे हो, जो अंदर काम कर रहा है वो कौन है? वो है निज घट में, वो है क्या कहा, घट में दर्शन पाओगे संदेश में कुछ नहीं। वो है जिसने जे सारा तुम्हारा कारोबार किया हुआ है और जो अब भी वो ही सो कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर है वो है माल के कुल का बच्चा, वो है माल के कुल की अंश, वो है सागर का बूंद, वो है सूर्य की किरण, वो है एक हवा का झोंका, वो है एक बारिश का ड्रॉप। क्या कहूं मैं, कैसे कैसे आपको समझाने की कोशिश करूं? उसके पीछे एक ताकत है, उसके पीछे उसका सोर्स है, वो आधार है, वो आधार अपने अपने ही बच्चे की देखभाल कर रहा है। इसलिए गुरु महाराज, महापुरुष, संत पुरुष, गुरु महाराज जितने भी आए हैं संतों ने हमें यही समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या उनकी वाणी को पढ़ने वाले, उन संतों की संगत में जाने वाले, जा पूजा पाठ करने वाले कभी सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? सोचो अपने आप को। वो तो आवाज देते हैं कि घट में है सूजत नहीं, घट में है तुम हो, वो घट में क्या है वो भी पढ़वा के फिर पढ़ो। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वहीं। घट में दर्शन पाओगे, मैं तुम्हारे घट में हूँ, मुझे वहां खोजने की कोशिश करो। किसने कहा? दाता दयाल जी महाराज। किस रूप में कहा? माल के कुल के रूप में कहा। क्यों क्यों कहा? क्योंकि सनातन धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमः। यही कहा ना? तो फिर कहीं कहीं भगवान का नाम है, कहीं राम का नाम है, कहीं किसी देवी देवता का नाम है? नहीं है ना? किसी तीर्थ स्थान का नाम है इस श्लोक में? नहीं है। किसी व्रत का नाम है, किसी दान दक्षिणा का नाम है? नहीं है। लेकिन हम क्या कृतघन हैं? हम सब कृतघन हैं, हम सब नाम फरमा बरदार है। हम अपने बुजुर्गों की बात को ध्यान से ना सुनते हैं, ना ग्रहण करते हैं, ना चिंतन करते हैं, ना उस पर चलते हैं। हमारे जैसा महापापी और कौन हो सकता है? वो गुरु तुम्हारे घट में कैसे है? कैसे है? ब्रह्मा के रूप में ख्याल, ब्रह्मा के रूप में तुम्हारे अंदर वो ख्याल है। इसलिए क्या कहा सनातन धर्म में? शिव संकल्पम अस्तु, मीठी वाणी बोलो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। यही कहा ना संतों ने? यही कहा। और क्या कहा? किसी ने कहा कि गाली देकर बोलो? किसी ने कहा कि कड़वा वचन बोलो? कड़वा वचन कलेजा व्यान दे, ये कहा संतों ने?
लेकिन बाहर को देखो आग लगी हुई है, बाहर आग लगी हुई है। इन धर्मों के धर्म बहुत पवित्र थे, धर्म बहुत आदर्श वाले थे, धर्मों में बहुत ऊंची शिक्षा थी, लेकिन हमने उन शिक्षाओं को ताला लगा दिया और मन के ऊपर हम खेल रहे हैं। ना हम किसी गुरु की बात को सुनने के लिए तैयार हैं, ना हम किसी ऋषि की बात को माना है, ना हमने किसी महापुरुष की बात को माना है, हमने अपने मन के पीछे लगकर सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। इसलिए क्या कहा, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है। दादा दयाल जी गारंटी देते हैं कि संदेह मत करो, उसको देखना है जो मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, उसको देखो कैसे, फिर पढ़ो लेना है। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसे में नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। बताइए दुनिया वाले कब ढूंढते हैं उसको? दुनिया वाले तो ये सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और सुखना सुख लेंदे हैं ना। सुखना सुख देना सी ते होए, कम हो जाए तो असी देवी दे जावांगे, कम हो जाए सारी देवता दे जावांगे, कम हो जाए तो असी हनुमान क्या करेंगे, जगराता करेंगे, करते हैं ना। काहे के लिए? दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए, और कुछ भी नहीं। हमें विश्वास ही नहीं आता कि हमें देने वाला है, और उसने हमारे को अलॉटमेंट की हुई है, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तुम उससे ज्यादा लोगे भी तो वो कहाँ जाएगा? उससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे? हेरा फेरी करोगे, झूठ बोलोगे, 420 करोगे, और वो कहाँ जाएगा? उसके लिए फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं आपके लिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। वहाँ जाओगे फिर वहाँ उल्टे लटकाए जाओगे, क्योंकि तुमने गलत पैसा कमाया है, इसलिए वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। क्या कहा मैंने? हका लाल की कमाई कभी नहीं जाती। हका लाल की कमाई कौन सी है? कि जो भी काम करो उसके निमित्त करो कि मेरा नहीं ये तेरा है, तूने मुझे काम दिया और मैं प्रार्थना करता हूँ इस कर्म को करने में मेरे से कभी गलती ना हो जाए, बस इतना ही काफी है, फिर वो काम सब सफल हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहा संतों ने, मैं तुम्हारे घट में हूँ, और किस रूप में हूँ आगे चलो। साथ सुनते हो मेरा अंतर में चित को साथ कर, साथ सुनते हो मेरा अंतर में चित को साथ कर, सूरत मेरा रूप है इसको समझ लेना। अब ये जो शब्द है ये दाता दयाल जी महाराज का पत्र है, ये उन्होंने पत्र लिखा, और उनके बहुत प्रेमी एक सत्संगी थे बगदाद में, जहाँ परम दयाल जी महाराज भी ड्यूटी पर थे। तो मेला राम दाता दयाल से बहुत प्रेम करते थे, मानसिक प्रेम जिसको कहते हैं ना। तो दाता दयाल ने उनको लिखा भी तू क्यों रो रहा है, क्यों भटक रहा है? दाता जो तेरा गुरु जो है वो तो तेरे घट में है, तेरा मालिक जो है वो तेरे घट में है, मैं भी तेरे घट में हूँ। क्या कहा? सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने भी लिख कर दिया, परम दयाल जी महाराज ने भी लिख कर दिया, मगर दुनिया क्या उस पर चलती है। उन्होंने लिखा सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, सबके लिए लिखा, एक के लिए नहीं लिखा। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर, तीन चीजें तो ये प्रदान दे दिया।
खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। फिर एक लाइन और उन्होंने बहुत ऊंची लिखी, दिल में रहे, तुम्हारे दिल में क्या, दिल में रहे एक आस और एक विश्वास, सिर्फ एक आस, किसकी, गुरु की, विश्वास गुरु के वचन पर, केवल एक आस और एक विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर, तेरे अंदर मैं हूं जाते फकीर, जात फकीर की जात, शरीर नहीं। तुम देखोगे बाबा फकीर को देख लिया तो बाबा फकीर मेरे अंदर है, वो नहीं, वो जात है। जात क्या है, वो परम तत्व है, वो परम तत्व है। बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म, बहुत कारण अति कारण। आपने भाप देखी, भाप पानी से निकलती हुई, वो सूक्ष्म होती है, पानी स्थूल है, नजर आता है, पकड़ सकते हैं हम, भाप को नहीं पकड़ सकते, वो सूक्ष्म हो गई। अब कुछ देर के बाद वो भाप नजर आना बंद हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कारण रूप हो जाती है, कारण। वो कारण क्या, मतलब वो अपने जहां से आई उसी में मिल जाती है। ऐसे ही हमारी सुरत है, वो महाकारण रूप है, वो है। कैसी है, कबीर साहब ने कहा और गुरबाणी में भी लिखा है, गुरबाणी में लिखा है, वो कैसी है, पुंप मध्य जीव बास वसत है, जैसे फूल में खुशबू, पुष्प मध्य जीव बास वसत है, मुकुर माहे जीव शाही। और फिर कैसे है वो, जैसे शीशे में तुम्हारा साया, शीशे में चेहरा देखते हो ना तो उसको पकड़ो, हम पकड़ लोगे वो शीशे में ऐसे है जैसे तुम्हारा, तुम्हारा अपना रूप है, ऐसे ही वो है अंदर में, तुम्हारा ही रूप है। और वो कैसा है, फूल की खुशबू जैसा है, पुप मध्य जो वास वसत है, मुकरमाए जो शाही। ऐसे ही मुझसे निरंतर घट ही खोजो भाई, ऐसी शब्द है जय गुरबाणी का शब्द है जी, गुरबाणी का शब्द है, पूरा नहीं, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई शब्द गलती हो जाए। तो उन्होंने बताया है संतों ने, वो क्या है, वो सुनते हैं। लेकिन क्या आप लोग उस तक पहुंच सकते हैं, अब सवाल ये है। कह तो दिया संतों ने, कह दिया कि मैं सुरत रूप में तुम्हारे अंदर हूं, क्या तुम वहां जा सकते हो। अब अपने आप को तुम पूछो, तुम कब जाओगे वहां, कब जाओगे। दो बातें कहूंगा, तुम तब जाओगे जब गुरु की दया तुम पर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम तब जाओगे जब तुम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे, दूसरी बात। तीसरी बात, जब तुम्हें पूर्ण उस पर विश्वास हो जाएगा कि वो मेरा है दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको बता दी। चौथी बात, तुम्हारे अंदर केवल एक आस हो और दुनिया की कोई आस ना हो। कौन सी आस, पिया मिलन की आस, और कोई आस नहीं है। मुझे पिया मिलन की आस है और कोई आस नहीं है। ये चार चीजें आप में जब उतर आएंगी, गुरु की दया की वर्षा होने लग जाएगी। क्या कहा मैंने, मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर परमदयाल जी महाराज का हाथ है, इसलिए मैं कभी गलत बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्वार्थ कोई नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे ड्यूटी मिली है सत्य होकर सत्य बात करना, कोई माने ना माने उसकी मौज है। और यही मेरे दाता कहा करते थे, मानो ना मानो हवा खाओ तुम्हारी मर्जी। जब तक तुम्हें पूर्ण ये विश्वास नहीं होगा कि वो है, 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 जैसे मुझे हो गया, मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, मैंने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया,
अपनी जिंदगी का एक सिर्फ एक स्थान बताया, बाकी अभी मेरी जिंदगी में बहुत दृष्टांत है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये कहता हूं मैंने कुछ भी नहीं किया और न मैं अब कुछ कर रहा हूं। जो कुछ किया सो दाता किया, वही कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे अंदर में तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हारे अंदर में तुम्हारा इष्ट कौन है, वही गुरु है। और गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, वही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। ख्याल पैदा हुआ, ख्याल को भोगा, ख्याल छोड़ दिया, ख्याल तो आएगा, आने दो उसको, भोग लो। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, भोग लो तुम्हारा कर्म कट जाएगा, नहीं तो मन तुम्हारे तुम्हें मारेगा दोबारा। जो करना है कर लो, फ्री हो जाओ कर्म से अपने से, जिसका देना दो जिसका लेना लो, बस फ्री हो जाओ हल्के हो जाओ। क्या कहा मैंने, इसलिए दाता दयाल जी महाराज को आपको फरमा रहे हैं, आगे चलो। सूक्ष्म हूँ ये स्थूल हूँ, कारण हूँ कारण से परे। अब मैं हूँ तुम्हारे अंदर, लेकिन मेरे चार रूप हैं। मैं स्थूल भी हूँ, मैं सूक्ष्म भी हूँ, मैं कारण भी हूँ और कारण से परे। सुनते रहना आप मेरी बात को ध्यान से। मैं स्थूल हूँ, तुम्हारा शरीर में हूँ। तुम्हारे शरीर में जो कुछ हो रहा है, तुम खुद देखो कि तुम इस शरीर के बारे में क्या कर रहे हो। बजाय खाने के, देखने से, सुनने के, और क्या कर रहे हो, सूंघने से क्या कर रहे हो। तुम्हारा सांस पर है कोई अधिकार, कौन ले रहा है। स्थूल रूप में मैं तुम्हारे अंदर सांस हूं, क्या कहा मैंने, स्थूल हूं सूक्ष्म हूं। फिर सूक्ष्म में क्या हुआ, सांस चल रहा है तो मेरा शरीर है, जब सांस बंद हो जाएगा तो क्या कहेंगे, क्या ले आओ पता दे दो सारे रिश्तेदारों को। संस्कार इतने बजे होगा, हम ज्यादा देर नहीं रख सकते, टाइम फिक्स हो जाता है ना चलाने का। स्थूल शरीर को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उसके लिए है। जब तक वो है तो इसकी कदर है, जब भी चला गया तो राम नाम सत्य कह देते हैं, तब राम नाम सत्य कहते हैं। पहले तो कभी नहीं कहते राम नाम, है ना, पहले कोई कहता सत्य नाम, ना सत्य नाम ना राम राम। वो करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, या राम के नाम पर लड़ते हैं और कुछ नहीं करते। सूक्ष्म हूं मन के रूप में भी मैं तुम्हारे अंदर हूं। एक हमारा स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर तुम्हारा सपने में काम करता है, करो देखो जरा, सपने में तुम पूरे होते कि नहीं, सपने में तुम पूरे नहीं होते, खाते भी हो पीते भी हो डरते भी हो दौड़ते भी हो, सब कुछ करते हो ना, वो सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा। उस वक्त तुम्हें शरीर की कोई सुध नहीं है। मैं सूक्ष्म हूं, मैं कारण हूं, मैं प्रकाश हूं तुम्हारे अंदर। आत्मा रूप भी मेरा ही है, मैं प्रकाश रूप में तुम्हारे अंदर हूं। फिर कहते आगे क्या है, पढ़ो। सोच में हूं स्थूल हूं, कारण हूं कारण से परे। मैं कारण से भी परे हूं, मैं शरीर में भी हूं, मैं मन में भी हूं, मैं आत्मा में भी हूं, लेकिन इन तीनों से मैं परे हूं, महाकारण रूप में हूं, और वो मेरा रूप सुरत है। उसके लिए क्या करते हैं, हम संताते हैं, हमें बताते हैं कि ले बच्चा ये काम कर, ये नाम का सिमरन करना है, ये तेरा असली नाम है, ये है तेरा असली नाम, और इसका धाम कहाँ है, तेरे अपने खट में है। तू दुनिया को भूल जा, मन के परे चले जा,
जब तक शरीर मन और आत्मा से तू परे नहीं जाएगा तुम्हें आपका आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज अंग्रेजी में एक लाइन बोला करते थे बड़ी प्यारी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल। आत्मा से भी तुम आगे चले जाओ, वहां है तुम्हारा असली रूप, वही है वो तुम्हारा मालिक, वही है तुम्हारा वो पिया, और ये तो सिर्फ एक महल है, ये असली महल है हमारे रहने वाला और कुछ भी नहीं। बाहर का महल तो जो बढ़िया बढ़िया मकान बनाते हैं, एसी भी लगाते हैं, पंखे भी लगाते हैं, वो तो शरीर के सुख के लिए है, मन की खुशी के लिए है। असली ये है, बढ़िया मकान बना है, सोफे लगे हुए हैं, खाने के लिए पदार्थ अच्छे हैं, लेकिन सेहत ठीक नहीं, खाने को दिल करता है, रात को नींद नहीं आती, एसी भी चल रहा है, क्यों? मैं मन में शांति नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं मिला, क्योंकि ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि विवेक की आंख नहीं खुली कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने ही महल को खराब कर लिया, बड़ा महल तो बना लिया, उसको क्या करना अगर इसका देखभाल नहीं हुई। उतर जाओ अपने खट में, देखो वहां क्या है, उल्ट चलो समान नीचे क्यों रहना, दाता दयाल जी महाराज का हुक्म है। लेकिन उल्ट तभी चलोगे जब तुम कुछ एक शर्तें हैं गुरु महाराज की, जब तक वो पूरी नहीं करोगे तुम वहां नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने? तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, तुम्हारे अंदर ही है, चारों रूप उसी के ही हैं, तुम्हारा अपना रूप कोई भी नहीं है। आगे चलो। देख दृष्टि को जमा कर, देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं। अब दाता दयाल जी कहते हैं तू अपनी दृष्टि को जमा के देख, दृष्टि ये नहीं अंदर की दृष्टि, एक ये बाहर की दृष्टि है ना दुनिया को देखने के लिए, एक अंदर आंख है हमारी जिसको तीसरी आंख कहते हैं। जब हमारा मन ठहर जाता है और हम गुरु के वाणी के ऊपर चलते हैं तो एक तीसरी आंख हमारे अंदर है, उसको फिर जमाना पड़ता है। कहाँ जमा कर देखें? शरीर में देखो, फिर मन में देखो, फिर आत्मा में देखो, तुम्हें वहाँ नीरस पर लगेगा, कुछ नहीं वहाँ, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, वो है। वो कहते हैं मुझे तू कहीं भी देख ले, शरीर में दिल की धड़कन है, शरीर में नब्ज चल रही है, शरीर में सांस आ रहा है, ये कहाँ है, किसका है? उसी का ही है, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं। बताओ, पता है तुम्हें कुछ? कुछ भी नहीं पता, ये कैसे धड़कन हो रही है, क्या हो रहा है। वह हम तो चलते हैं मन के पीछे, हम मन के पीछे देखते हैं, चलो उधर को चल पड़े, सुना है उधर को चल पड़े, खाने के स्वाद लगा बढ़िया से बढ़िया होटल में जाने की कोशिश करते हैं, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? दो रोटी खानी है, जितना पेट है उतना खा लो, काफ़ी है, क्यों इतना ज़्यादा टेस्ट में क्यों पड़ते हो? कहीं भी देखो अपने, उसको ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। दाता ने गारंटी दे दी है, क्या क्या लिखा? देख दृष्टि को जमा कर, पढ़ो। देख दृष्टि को जमा कर अपने अंदर में कहीं, अपने अंदर देखो उसको, बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है। आगे चलो। चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम। अब एक कंडीशन लगा दी दाता दयाल जी महाराज ने, क्या तुम्हारे अंदर उसको देखने की चाह है? पहली बात तो ये है, हमें तो दुनिया की चाह है। पूछो अपने अपने आप को, हमें दुनिया की चाह जब तक खत्म नहीं होगी वो चाह पैदा नहीं होगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा दे परवाह, जी पता नहीं किस महापुरुष ने कहा है,
चाह गई चिंता मिटी मनवा जे बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का छा। तो हम पूजा पाठ किस लिए करते हैं? कुछ मांगते हैं ना, तभी है ना, तभी आरती करते हैं। जय हो जाए, 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 ये छोड़ो, मांगना छोड़ो, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही उसने बहुत कुछ दिया। तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि वो ही मेरा करता धरता देखने वाला करने वाला सवारने वाला वो ही है। जिस दिन ये हो गया, तुम्हारी बाकी सारी मांगे खत्म हो जाएंगी। नथ खसम हथ, ये दादा कभी कभी परमदयाल जी महाराज कहा करते थे। मेरे दादा दो बातें कहीं कहा करते थे। वो वहाँ आते थे, रिक्शा से उतर कर सीधे वहाँ खड़े हो जाना महाराज जी ने, मैं उनके पीछे होता था। दादा तेरी मौज जैसे मर्जी रख ले। ये दूसरी बात, यह आ जाना कभी कभी कहना नथ खसम हथ, ओदे हथ है जो कुछ है। अब बताइए, जानवर को नथ डाली होती है ना, गाय भैंस को या बैल को, तो वो किधर जाता है? जिधर मालिक ले जाए। वो अपनी मर्जी करता है नहीं करता? ऐसे ही हम अपनी मर्जी करना फिर छोड़ देते हैं। नथ खसम हथ दा, इसको गुरु नानक साहब का जो पूरा शब्द है, नथ खसम हथ रिजिक तके दे, जहाँ दाना तहाँ खाना, नानका सच ए। ये उनकी वाणी है। ये उन्होंने कब कही ये भी मैं बता ही देता हूँ। चलो, मैं बताया तो बहुत बार है, लेकिन क्योंकि प्रसंग चल रहा है इसलिए सुना देता हूँ। गुरु नानक साहब ने जिंदगी में चार भ्रमण किए, चार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई जगह नहीं छोड़ी। मक्का नहीं छोड़ा, मदीना नहीं छोड़ा, कहाँ कहाँ गए वो? क्या कोई उस वक्त जहाज थे? क्या उस वक्त कोई रेल थी? ना कार थी, बैलगाड़ियाँ होती थी। बैलगाड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे में 5 किलोमीटर करती थी। वो कहे कहाँ गए? मनाली कहाँ, मनाली कहाँ, ले दादा। तो वो चलते थे और चलते चलते ज्ञान बांटते थे। लिखा तो बैठकर उन्होंने जो भी लिखा, वो चलते चलते ज्ञान बांटते थे। जब मक्का गए तो वो सो गए मक्के की तरफ पांव करके, पैर दूसरी तरफ, मक्का की तरफ पैर कर दिया, सिर दूसरी तरफ। तो काजी आए बड़े, वो आकर पूछ, ओ भाई तू कौन है? खुदा की तरफ पांव करके सोया है। तो पहले तो उनको ये कहा, भाई जिधर तुम्हारा खुदा नहीं है उधर को पांव कर दो, उधर को पांव कर दे। लोग तो जो आम परंपरा चली वो कहते हैं उन्होंने गुरु महाराज की टांगे उठाई और दूसरी तरफ को घुमा दिया, मक्का भी उधर ही घूम गया। ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने ये बात कह के उस कालीज को बता दिया कि तुम्हारा क्या खुदा इधर है? इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, वो तो हर जगह, तू कहाँ भूला हुआ है कि खुदा यही है? एक तो उसको ये ज्ञान दिया। फिर उसने पूछा कि तुम कौन हो? बाबा तुम कौन हो, वो इतनी ऊंची बात कह दी। तो उन्होंने फिर वहां एक फरमान और किया जो बुजुर्गों ने मुझे बताया हुआ है, हिंदू कहूं तो मारिए, क्योंकि वहां हिंदू जा नहीं सकता, हिंदू कहूं तो मारिए, मुसलमान भी ना, मैं मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। ना भाई मैं हिंदू हाँ ना मुसलमान है, जब मैं कहूँगा मैं हिंदू तो तुसी मैं मारना, मैं हिंदू नहीं है पर मैं मुसलमान भी नहीं है, फिर मैं कौन हूँ? मैं 5 तत्व का एक पुतला हूँ और मेरा नाम नानक। आह, इतना बड़ा ज्ञान, इतना महान ज्ञान। आज हम पूछो किसी को तू कौन है, क्या बताते हैं लोग, क्या बताते हैं? मैं बजरंग दल का हूं, मैं हिंदू महासभा का हूं, मैं सिख हूं, मैं गुरु, मैं निरंकारी हूं,
मैं नामधारी हूं, मैं ब्यासिया हूं, बंदा नहीं कितने निकल मिलने मिलता है। पांच तत्व का मिला हुआ मार दिया हमें लोगों के सब ज्ञान ने। ये है वाणी गुरु की कि हम क्या हैं, हम क्या बन गए। इंसानियत ही खत्म कर दी हमने। जी कह रहा हूं मैं बाबा फकीर जी महाराज के दरबार से, आओ हम इंसान बनकर देखें, फिर देखो क्या मिलता है आपको। लेकिन हम तो इंसानियत ही भूल गए। फिर आगे चलते हैं, गुरु नानक देव जी चल रहे हैं तीनों बाला मर्दाना। तो चलते चलते खेती में मक्की लगी हुई है, जिम्मेदार मक्की का लेकर भुट्टा और आग जलाकर खाते हैं ना मछली, तो वो खा रहे हैं। तो रास्ते में वो आ रहे हैं महाराज, बड़ा प्यार होता था उन दिनों, संत महापुरुषों की कदर होती थी। तो जो मालिक था जमीन का, उसने कहा महाराज बाबा जी महाराज आओ बैठो, बाबा जी बैठो ऐसे बैठो, छली चबो छली खाओ आप। तो उन्होंने कहा बेटा हम दूर जाना है, सफर लंबा है, आप हमें एक एक छली दे दो, हम खाते जाएंगे और आपका गुण गाते जाएंगे। ये सच्ची कथाएं हैं, झूठ नहीं है इसमें। तो कहते हैं गुरु नानक ने एक छली ले ली, एक बाला को दे दी, एक मर्दाना खाते चल रहे। तो बाला जी भी छली ऐसे 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 दाने करके ऐसे डाल के फिर खाते हैं ना हम, खाई कभी आप लोगों ने? मैं तो बहुत खाई। फिर छलियाँ खा के फिर मगरों लस्सी पीनी, बापू ने कहना वह खट्टी लस्सी पी लो, बस फिर रोटी भुखी खत्म हो जाने। छली खाने के बाद लस्सी, बढ़िया। क्या कहा मैंने, अब कहाँ है वो चीज़ें, खत्म हो गई। तो बालाजी ने छली पोली तो गुरु नानक साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठहर ठहर बाला, कहते महाराज क्या बात हुई, ये दाना तुम नहीं खा सकते। बोलो बाबा जी आप भी कभी कभी बड़ी बोली बात करते हो, मैंने हाथ में डाल लिया है अब मैंने इसको खा लेना है। नहीं बाला मेरे तो मेरी समझ मुझे तो नजर आ रहा है कि जाना तुमने नहीं खाना, तो महाराज किसने खाना है? ये दाना जहाँ से दो को के ऊपर एक मुर्गा चुग रहा है उसने खाना। लो फिर अच देख ही जाऊ बाबा जी कहने, अज तो मैं देख ही लेना फिर खाना किदा। उन्हें चुकया मूछ पा लिया, चल कंधा लग चबा लिया जी। चलो भाई ऐसा ही होना होता है, होगा ऐसे ही होगा भाई, तेरे भाग का होगा, लेकिन तेरे भाग का है नहीं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। चलो चलते गए, चलते गए गुरु नानक साहब, चलते गए बल्ला भी चलते। दो को आ गया, गाँव से जा रहे हैं तो वहाँ मुर्गे चुग रहे हैं, गांव में रखते ना लोग मुर्गियाँ, तो एक मुर्गा बड़ा बढ़िया दौड़ा आ रहा है इधर को आ रहा है। तो बालाजी को छींक आई बड़ी जोर की, उसने मुंह इधर को नहीं किया जिधर वो मुर्गा था, जोर से छींक मारी, वो दाना कहीं नाक में रुका था वहाँ गिर गया और उसे चुग लिया, एकदम चुग लिया। बालाजी तो पाँव पड़ गए, महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं बोल नहीं सका, मेरे नाक में चढ़ गया था ये दाना, मेरे अंदर में दांतों के नीचे नहीं आया, या गला हमारा, गला हमारा ये थ्रोट नोज ENT EI इनके संबंध हमारे गले के साथ है, तो वहाँ चला जाता है। ये भी बात हो गई, पक्का हो गया, साबित हो गया कि हमारा भी अंजल है, जहाँ जाना जहाँ दाना वही खाना। हमें विश्वास नहीं आता, लेकिन गुरु साहब ने जो साबित कर दिया कि हमारा दाना भी निश्चित है, और मरने से पहले आदमी खाना छोड़ देता है। और बुजुर्ग कहते ओए कुछ खाता कि नहीं खाता, कहते नहीं बाबा तीन दिन हो गया और कुछ नहीं खाता, बस कहते अंजल खत्म हो गया। ये कहा करते थे बुजुर्ग, बात समझ गए। तो मैं कैसे समझाऊं आपको इससे ज्यादा कि हमारा भोज। कल मेरी बहू ने मेरे से सवाल किया, मैंने कल कहीं जाना था, कल बहू ने मेरे से पर्दा रखा। कोई रिश्तेदार के जाना था, वो रिटायरमेंट का फंक्शन था, तो मुझे कहा दादी जी जलंधर जाना है। मैं कहा कोई नहीं बेटा, उसने मुझे भी कहा
कि जरूर आना जी, ऐसे ऐसे कहा तो चलो मैं भी जलंधर तो आया, चल चलेंगे। जब जलंधर पहुंच गए तो उन्होंने टेलीफोन किया कि कहाँ जाना कहाँ आना, हल्के पता था बहू को, तो तुसी जंडियाला रोड ले लो कैंट से। चल पड़े जंडियाला रोड, कितने आई नहीं जंडियाला रोड, कितने भी नहीं लभी। मैं कहा बच्चा जंडियाला रोड तो आई नहीं कहीं भी। फिर आगे जाके कहते नकोदर रोड पूछो। मैं कह जाना नकोदर रोड है कि कहाँ जाना, ये भी नहीं बताया। नकोदर पहुंच गए तो नकोदर था फंक्शन। चलो मैं समझ गया कि चलो ऐसे। मैं कहा बेटे मेरे से आपने पर्दा क्यों रखा रात, मैंने पूछा, आपने सारा दिन खराब कर दिया। तो फिर मेरे को कहती डैडी तुम खुद ही कहने होंगे जिथे खाना जिथे दाना उत्थे खाना। तो मैं तो मैंने दस ही देना सी, तो मैं बड़ी खुशी ना जाना सी, मेरा दाना उत्थे रखा। मैंने पर्दा क्यों रखा, कहीं मैं सोचा आपने कह देना मेरा सारा दिन खराब हो जाना, बच्चा तुसी जाओ कल मैं भेज देना तुहानू। कहने नहीं मैं तुहानू छड के भी नहीं जाना सीगा, मेरी बात समझ गए। तो जहाँ जाना तहाँ खाना, कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई रोक नहीं सकता। वापसी पर मैंने बड़ा कहा कि फगवाड़ा नहीं रुकना। तो बहू की बहन फगवाड़ा में, वो कहते अंकल जी तुसी साढ़े घर चो होके जाओगे ना, सड़क लग गई है, तो ऊपर भी घूम के आओगे तो वो पुल पास करके आना पैना। मैं कहा चल भाई उत्थे भी मैं शगन दे दूंगी, चल उत्थे भी चाह पी लाने, है ना मजबूरियाँ, करो क्या करोगे बताइए बाबा कुमार। बात को समझो, तुम यू ही हाय 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 करते हो, इसको छोड़ो, अपने आप को उसके सुबह शाम हवाले किया करो, कुछ ना करो। मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने कहा ए इंसान तू ते तो कुछ नहीं हुंदा तो कुछ ना कर, नहीं अभ्यास हुंदा ना कर, तू सवेरे शाम सच्चे दिल तो अपने आप नूं उहदे सुपुर्द कर दिया कर। क्या कहा मैंने, और यही भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि अर्जुन तेरे से कुछ नहीं होता, तू मेरे को समर्पित हो जा बस। लेकिन अर्जुन तो समर्पित नहीं हो सकया, वो भी नहीं कर सकया। बात समझ गए, संत भी यही कहते हैं कि कुछ नहीं होता, उस माल के कुल के आगे समर्पित हो जाओ। समर्पित कैसे होना है, अपने मन की अशांति को उस पर छोड़ दो, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, जे तू मेरे वल है तो क्या मुशंदा, तू सब कुछ मैनू बख्शदा मैं तेरा बंदा, ये गुरबाणी कहती है, ये गुरबाणी कहती है। ये अगर जब जे का मतलब है जब तू जब तू है ही मेरा तो फिर मैनू तू सब कुछ तो दे देता, जब तू मेरे बल है तो क्या मुझे क्या चाहिए, बात मैं क्या मांगू। कबीर साहब ने लिख दिया क्या मांगो कुछ फिर ना रहाई, कोई दुनिया की चीज है क्या सदा रहने वाली है, कोई भी नहीं, सदा रहने वाले तुम हो और मालिक है बस, बाकी कुछ नहीं। मैंने बहुत क्लियर कर दिया आपको दाता दयाल की वाणी को, आप मानो ना मानो आपकी मौज, आगे चलो। चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम, जब आपके अंदर एक इश्क पैदा होगा, आपके अंदर एक इश्क, कबीर साहब का एक शब्द है, हम इनको इश्क बस्ताना हमन दुनिया के जाने क्या, यही बहुत प्यारा शब्द है ना। तो आगे लिखते हैं बिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, आहा क्या बात है कबीर साहब क्या बात है, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमको इंतजारी क्या। इस बात को समझो, वो तुम्हारी अंदर है तो किसकी इंतजारी, किसकी पूजा, कहाँ का व्रत, कहाँ की यात्रा, किसके लिए क्यों करते हो, करो मन की खुशी के लिए, करो दुनिया की मांग के लिए करो। लेकिन जब दुनिया की मांगी तुम्हारे सदा साथ नहीं देंगी, इसलिए दाता दयाल कहते हैं तुम इच्छा प्रकट करो। दुनिया ने बाबा फकीर जी को पैदा कर लिया,
बाबा फकीर जी आ गए, मैंने उनको चाय भी पिलाई और बाबा फकीर ने कहा अच्छा तेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो गया। बाबा फकीर जी आए, मैं बीमार था, बाबा फकीर ने दवाई बताई, मैं जाके बाजार से ले आया, मैं ठीक हो गया। कौन था? उनके मन ने पैदा किया ना, जब इच्छा हुई बाबा फकीर आ गया, और जब अच्छा हुई अंदर दर्शन कर लिए। वो किसी ने कहा दिल में है कुछ, ऐसा एक शब्द है दिल में है, जरा गर्दन झुकाई तो देख लिया। किसी ने ऐसा कह दिया, दिल में नहीं है, मस्तिष्क में है, जरा पलक झुकाई, पुतली उठाई और देख लिया, यही है वो दिल, यहाँ कहाँ हो सकता है। वो किसी अज्ञानी ने ऐसा लिख दिया जो पुस्तक की नॉलेज रखते हैं, वो तो यहाँ घट में, यहाँ है घट में है, जब चाहो तुम दर्शन कर सकते हो। और पुलट ये आंखें नहीं, एक बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, तब दर्शन होते हैं। चलो आगे। चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। मैं तो हर वक्त तेरे साथ हूँ, जागता है तू तब भी तेरे साथ हूँ, तू सोया हुआ है तब भी मैं तेरे साथ हूँ, सवेरे में भी तेरे साथ हूँ, शाम में भी तेरे साथ हूँ, तू काम कर रहा है तभी मैं तेरे साथ हूँ, और तुम्हें देख रहा हूँ मैं तू क्या कर रहा है। आप समझ गए ना, इसलिए गुरु नानक साहब ने लिख दिया चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्मा दूर, करनी आपो अपनी के नेड़े कदूर। तुसी अपने कर्म तो बच नहीं सकते, मुश्किल है, तब बचोगे जब उसकी दया हो जाएगी। तुम मन की दुनिया से निकल जाओगे तो बच जाओगे, क्योंकि काम सारे मन में किए जाते हैं, तो मन की दुनिया से निकल जाओगे तो बच जाओगे। क्या कहा मैंने, आगे चलो। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ, राधा स्वामी का, राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ, राधा स्वामी का, मेल मेला इसकी परख आई नहीं। मिलन राम को कह रहे हैं दाता, मैंने आपको बताया ना मिलन राम के लिए जो उत्तर लिखा दाता दयाल जी महाराज ने, मैं इसको सबके लिए समझता हूँ, सभी मिलन राम है हम। लेकिन हमारी उससे मुलाकात नहीं, मिलना मीन मिलना, मिलना मीन मिलना, मिलने वाला है ना। तो वो कहते हैं मैं धाम में उसका सेवक हूँ, कहाँ है धाम वो, तुम्हारे घट में है, यहाँ है धाम, जहाँ है ब्रह्मांड, ये है, ये ब्रह्मांड है तुम्हारा, ब्रह्मांड ये है, और यहीं से हम नीचे उतर कर आए हैं। स्वामी जी महाराज ने एक ने सब लिखा हुआ है कि हम वहाँ से आए, माल के कुल की अंश हम यहाँ आए, यहाँ से फिर हम कहाँ अहम में आए, फिर उसके बाद किस में आए, बुद्ध में आए, फिर उसके बाद चित्त में आए, फिर मन में आए, फिर शरीर में आए, फिर इंद्रियों में आए, और यहीं आकर फंस गए। अब इनको यहीं से वापस ले जाना है, इसी रास्ते से वापस जाओगे, उसी रास्ते को अडॉप्ट करना जहाँ से हम आए। तो कहाँ है आपका मिलने वाला, कहाँ है तुम्हारा प्यारा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, जो भी मर्जी इसका नाम रख लो। पहली बात ये कहूँगा, अगर हम द्वापर त्रेता की बात करेंगे, तुम कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। हम कलयुगी हैं और कलयुग में देवी देवता भी तरस रहे हैं कि हमें मानव का शरीर मिले और हम गुरु के चरण में जाएं, हम अपने रास्ते से वापस चले जाएं, हम जन्म मरण से पार चले जाएं। ये शिव, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये तड़प रहे हैं कि हमें भी कहीं जन्म मरण का छुटकारा हो जाए। बात मेरी समझ रहे हो? लेकिन हमें ये बात कोई बताता नहीं है, लेकिन हमारे संत मत में जो ब्रह्मा है, विष्णु है, या शिव है, या शक्ति है, वो सब तुम्हारे अपने खट में है। मैं इसको पहले बहुत दफा
बता चुका हूँ, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर दुनिया है, बाहर काल और माया की दुनिया है। समय समय पर बदल रही है और समय समय के अनुसार हम भी बदल रहे हैं, और हर समय का असर हमारे मन पर होता है, और हम उस मन के अधीन आकर हम भी दुनिया में विचर रहे हैं। इसको समझना है, और जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया उसको हर समय हर काम करते हुए, हर देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, जागते हुए, सोते हुए और सुबह उठते हुए उसको ख्याल रखना कि वो मेरा है और वो मेरे संग है। गुरु मेरे संग सदा है, ना ले तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मेरा ऐसा विश्वास भी है और मेरा ऐसा जीवन का मेरे सामने उदाहरण भी है। मेरी जिंदगी मुझे बता रही है कि बंदिया तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ही है बस। फिर कबीर साहब ने यही कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। क्योंकि मुझे पता ही नहीं सांस कौन ले रहा है, मुझे पता ही नहीं दिल कैसे धड़क रहा है, मुझे पता ही नहीं खाना कैसे पच रहा है। मेरी बात समझ गए? सब कुदरत ने अंदर सब कुछ अपने आप कर रही है, तो मैं कैसे करूं कि मेरा ये है, मेरा ये, मेरा ये, जब मैं ये करता हूं, जब मैं ये करता हूं, कह सकता हूं मैं? नहीं कह सकता ना। इसलिए फिर क्या हुआ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाके मेरा, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। मैं खाली हाथ तो पढ़ा ना था, मुट्ठी बंद थी, खाली हाथ गए, वापस गए, क्या जाएगा साथ? हमारा कर्म साथ जाएगा, हमारे संस्कार साथ जाएंगे। वहां जे नहीं पूछना कि कितनी माला फेरी तुमने, घंटी कितनी बजाई तुमने, कितनी दफा चिराग जलाया तुमने, कहाँ कहाँ हम अपने यात्रा की, किसी ने नहीं पूछना। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीम तैसो फल चाखा, ये कह दिया किसने, तुलसीदास ने। कबीर साहब कहते कर्म गति टारे नहीं टरे, स्वामी जी महाराज ने कह दिया कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पैना। गुरु नानक साहब ने कह दिया करनी आपो अपने के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया कह मशक्कत कार, कौन जाएगा पार जिन्होंने नाम का सिमरन किया। और वो नाम उस घर का है, वो होशियारपुर का नहीं है, वो ब्यास का नहीं है, वो आगरे का भी नहीं है, कहीं का नहीं है। यहाँ गुरु तुमने माना कि गुरु मेरा यहाँ है, क्या कहा मैंने, तो मैंने आज बहुत कुछ कह दिया, मैंने नहीं कहा, जो उसकी मौज थी मैंने कह दिया। ये साधन बना मेरी जबान आपको कहने के लिए, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा, जो कहा मेरे सदगुरु के हुक्म के मुताबिक मैंने आपके श्री चरणों में रख दिया। आप मानो ना मानो, मेरा तो आप सबके प्रति यही प्रार्थना है मालिक के दरबार में, इच्छा करता हूँ आप जिस ख्याल को लेकर आते हो वो मेरा मालिक पूरी करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें मालिक शरीर की तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, और घरों में सुख हो, शांति हो। जिस घर में सुख और शांति है वहाँ सब कुछ अपने आप आ जाता है, जहाँ सुख शांति नहीं है वहाँ घर बर्बाद हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? मेरा बहुत बहुत प्यार भरा आप सबको, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।